पूर्व मंत्री माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जो कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये सरासर गलत है बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो चुकी है। 17 से अब तक कार्रवाइयाँ ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उन्होंने राजनीतिक तौर पे एक आजम खां के परिवार को ही टारगेट बना रखा है। और आजम खां द्वारा रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का मंदिर है वो तैयार किया है उन्होंने। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए वो मंदिर तैयार किया। उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आईटी की रेड, पुलिस की रेड, किताबें खंगालना, दीवारें तोड़ना, ये सारा काम वहाँ पर हो रहा है। कार्रवाइयाँ तो सरासर गलत है और जो बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कार्रवाइयाँ तो लंबे समय से हो रही हैं, मुख्य रूप से किस कार्रवाई पर आपको प्रॉब्लम है? हम हर कार्रवाई पे एक बात सुनो प्रॉब्लम है, क्योंकि आजम खान ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। वो चोर या डकैत या माफिया या गुंडे नहीं है जो उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। एक बात अच्छा, तो आपने आवाज उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? आवाज उठाने में देर हमने यूं कर दी, एक बात सुनो, पहले से हम सोच रहे थे कि सरकार शायद अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार शायद अपने, लेकिन अब हमें सच पता चल चुका है कि इतने दिन से जो कार्रवाई हो रही है, तो एक पे मुकदमा, 100 मुकदमे हो चुके, एक मुकदमा देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अब हमें लगने लगा कि फर्जी मुकदमे जो आजम खान के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और जानबूझकर आजम खान को और उनके परिवार को टारगेट बनाया जा रहा है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी रस्सी को कसा जा रहा है, लेकिन आजम खान ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कार्रवाई से घबरा जाएं। हम उनके साथ हैं और अगर हम तो आज तो हम छोटे लोग आए हैं, कम लोग आए हैं, अगर कार्रवाइयां बंद नहीं हुई तो सड़कों पर आंदोलन करने को राष्ट्रीय लोकदल मजबूर होगा।